गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। लास्ट इंग्लिश क्लास में हमने इंग्लिश ग्रामर में थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4, वन एंड मैनी। वन का मतलब क्या होता है? सिंगल चीज। वन का मतलब क्या होता है? सिंगल चीज़, यानी सिर्फ एक। मैनी का मतलब बहुत सारे। मैनी का मतलब बहुत सारे। जब आप किसी सिंगल चीज़ को देखते हो तब आप सिर्फ उसका, जैसे कार है तो अभी कितनी कार ऊपर वाली, आपको स्क्रीन पे देखो दो पिक्चर्स दिख रही होंगी। ऊपर वाली पिक्चर में सिर्फ एक कार है, नीचे वाली पिक्चर में दो कार है। तो जब सिंगुलर होता है तब हम वहाँ पे ऐड एस को हम लोग ऐड नहीं करते, लेकिन जब प्लूरल हो यानी एक से ज़्यादा हो उस बीच हम लोग एस का यूज़ करते हैं। देखो सी ए आर एस लगा हुआ दिख रहा है आपको। जब कोई भी चीज़ सिंगुलर हो तो हम उसमें एस ऐड नहीं करते, लेकिन जब वो चीज़ प्लूरल हो जाए तो हम उसमें एस को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वाले पिक्चर में देखो वन कार दिख रही है, तो यहाँ पे सी ए आर लिखा हुआ है। सेकेंड वाली पिक्चर में देखो टू कार्स हैं, वन से ज़्यादा हो गए, टू यानी मैनी, तो यहाँ पे देखो सी ए आर के बाद में एस ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? एस ऐड कर दिया। गॉट इट? व्हेन वी ऐड एन एस एट द एंड ऑफ नेमिंग वर्ड इट शो दैट समथिंग इज मोर देन वन इन नंबर। जब कोई भी चीज, कोई भी नेमिंग वर्ड यानी कोई भी नेमिंग वर्ड वन से ज्यादा हो नंबर में, क्वांटिटी में, तो हम क्या करेंगे? उसके आगे एस लगा देंगे, उसके आगे हम लोग एस लगा देंगे। देखो अभी आपको टू कार्स दिख रही हैं, तो कार प्लस एस लगा दिया, लगाया ना एस। वैसे ही पेन में देखो, पेन के पीछे भी एस लगा हुआ है। बॉल में देखो, बॉल्स के, बॉल में भी एस लगा तो बॉल्स बन गया। वैसे ही जब कोई भी थिंग, कोई भी नेमिंग वर्ड वन से ज़्यादा हो यानी मोर देन वन हो तो आपको उसके पीछे एस इंक्लूड करना है, आपको उसके पीछे एस इंक्लूड करना है। गॉट इट? देखो क्वेश्चन ए देखो जरा, मेक मोर देन वन ऑफ दीज नेमिंग वर्ड बाय एडिंग एस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको दिख रहा होगा कि कुछ वन साइड में जहाँ वन लिखा है वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स को अगर मोर देन वन, अगर वो चीज़ें वन से ज़्यादा हो तब आप उनमें क्या करोगे? तब हम उनमें एस को ऐड कर देंगे। फर्स्ट में देखो लिखा है टॉय, टी ओ वाई टॉय, टॉय यानी हमारे पास अभी एक ही टॉय है। टॉयस लिखा है टी ओ वाई एस, एस लिखा मतलब वन से ज़्यादा है, मतलब वन से ज़्यादा है। तो अब वैसे ही देखो केक, सी ए के ई केक, तो अब इसके पीछे एस लग जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा हमारे पास वन से ज़्यादा केक है। तो लिखो ज़रा सेकेंड वाले में सी ए के ई एस केक्स, लिखो ज़रा केक्स। सी ए के ई एस केक्स। हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट बेड, बेड, तो अब इसके पीछे भी हम एस लगा देंगे, बी ई डी एस बेड्स, लिखो जरा। मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप लोग यहाँ पे जहाँ बेड लिखा है यहाँ पे लिखोगे बेड, बी ई डी एस बेड्स।
लिख लिया। अब देखो फोर्थ वन इज लैम्प, एल ए एम पी, लैम्प। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, लैम्प्स, एल ए एम पी एस, लैम्प्स। फोर्थ में लिख लो लैम्प्स, एल ए एम पी एस, लैम्प्स। लिख लिया लैम्प्स। लास्ट वन इज बुक, लास्ट वन इज बुक, तो बुक में लिखेंगे बुक्स, बी डबल ओ के एस, 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 बुक्स। बी डबल ओ के एस, बुक्स। हो गया यहाँ तक, समझ में आया? जिन किसी भी वर्ड सॉरी जिन किसी कोई भी थिंग जो कि वन से ज़्यादा है तो हम उनके पीछे एस लगा देंगे, वन से ज़्यादा तो उनके पीछे एस लगा देंगे। दैट मीन्स कोई भी चीज़ अगर प्लूरल है, मोर देन वन है, तो हम उसके पीछे एस लगा देंगे, हम उनके पीछे एस लगा देंगे। अब पेज टर्न करो ज़रा। We add es to word ending in s, sh, ch or x to same word to show that they are more than one in number. अब देखो s तो हम जो भी more than one है उनके पीछे लगाते हैं, es किसके पीछे लगाते हैं, es हम उन words के पीछे लगाते हैं जिनकी जिनके जो ending letter है या तो वो s पे ख़त्म हो रहे हैं या sh पे ख़त्म हो रहे हैं या फिर ch पे ख़त्म हो रहे हैं, otherwise x पे ख़त्म हो रहे हैं। जिन भी words यानी जिन भी spelling के last letter s, sh, ch और x हैं, हम उनके पीछे es लगाएंगे, हम लोग उनके पीछे es लगाएंगे अगर वो more than one है तो, अगर वो more than one है तो। got it? जैसे देखो ग्लास, जी एल ए डबल एस, तो मैंने कहा था जिनकी भी एंडिंग एस पे है तो उनके पीछे हम लोग क्या लगाएंगे, ई एस, क्या लगाएंगे, ई एस। तो ग्लासेस के पीछे भी क्या लग गया, ई एस, क्या लगा, ई एस। नेक्स्ट वन एग्जांपल देखो, फिश, एफ आई एस एच, तो देखो मैंने क्या कहा था, जिस वर्ड यानी जिस स्पेलिंग की एंडिंग एस, एस एच, सी एच और एक्स से होती है तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, ई एस। तो फिश की किस पे लास्ट एंडिंग वर्ड्स क्या हैं, एस एच, क्या है, लेटर एस एच, तो इसके पीछे भी क्या लगेगा, ई एस, क्या लगेगा, ई एस। नेक्स्ट वन इज ब्रांच, बी आर ए एन सी एच, तो इसके पीछे भी क्या लगेगा, ई एस, क्या लगेगा, ई एस। नेक्स्ट वन देखो फॉक्स, एफ ओ एक्स, इसके पीछे भी लगेगा ई एस, इसके पीछे भी क्या लगेगा, ई एस। नाउ कम टू द बी क्वेश्चन, आप लोग बी क्वेश्चन पे आ जाओ। एड ई एस टू दीज नेमिंग वर्ड टू चेंज देम इन टू मोर देन वन इन नंबर। आपको कुछ नेमिंग वर्ड्स दे रखे हैं, इनको आपको कन्वर्ट करना है, अगर ये मोर देन वन है, अगर ये एक से ज़्यादा है तो आपको इनको पीछे ई एस लगा के इनको चेंज करना है। तो देखो पीच, पी ई ए सी एच, एंडिंग वर्ड क्या है, सी एच, तो इसके पीछे भी क्या लगेगा, ई एस, क्या लगेगा, ई एस। तो लिखो फर्स्ट में पीच, P E A C H E S, पीच, फर्स्ट में लिखो ज़रा पीच। लिख लिया पीच, आगे कंटिन्यू करें हम लोग।
नेक्स्ट वन इज ड्रेस, डी आर ई डबल एस ड्रेस, डी आर ई डबल एस ड्रेस, तो इसके पीछे भी आप ई एस लगा दो तो लिखो ड्रेसेस, डी आर ई डबल एस ई एस ड्रेसेस। डी आर ई डबल एस ई एस ड्रेसेस। नेक्स्ट वन इज बॉक्स, नेक्स्ट वन इज बॉक्स, तो बॉक्स का लिखो बी ओ बी ओ एक्स ई एस बॉक्सेस। नेक्स्ट वन इज बॉक्सेस, नेक्स्ट वन इज बॉक्सेस, लिखा बॉक्सेस। आगे बढ़े, कम टू द फोर्थ चर्च, सी एच यू आर सी एच चर्च, सी एच यू आर सी एच ई एस चर्चेस। अगर एक से ज्यादा चर्च है तो उसके लिए चर्चेस। नेक्स्ट वन इज विश, नेक्स्ट वन इज विश, तो विश का हो जाएगा विशेस, डब्ल्यू आई एस एच ई एस विशेस, डब्ल्यू आई एस एच ई एस विशेस। हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट वन इज बस, नेक्स्ट वन इज बस, तो बस को हो जाएगा बसेस, बी यू एस ई एस बसेस, बी यू एस ई एस बसेस, बी यू एस ई एस बसेस। समझ में आया, ये आपका हो गया 4 चैप्टर आज कंप्लीट। वन एंड मैनी, वन का मतलब सिंगुलर, मैनी का मतलब वन से ज़्यादा, मोर देन वन। जब आप किसी सिंगुलर चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो तब हम लोग एस का यूज़ नहीं करते, लेकिन जब मोर देन वन हो तब हम उसके पीछे एस लगाते हैं, तब हम उसके पीछे एस लगाते हैं। और अगर किसी वर्ड के एंडिंग लेटर एस है, एस एच है, सी एच है और एक्स है, तो हम उसके पीछे जब वो मोर देन वन है यानी एक से ज़्यादा है तब हम उसके पीछे ई एस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ई एस का। गॉट इट, समझ में आया? आज आपका चैप्टर 4 वन एंड मैनी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।